अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल के परांठे। ये बरसात की स्पेशल डिश है, आप बरसात में इसे जरूर बनाएं। दाल परांठे बनाने के लिए हमने चने की दाल ली है, जिसे हमने 2 घंटे सोक कर लिया है। आटा लिया है, जिसे हमने नॉर्मली गूंदा है नमक लगाकर। 1 प्याज हमने काट ली है। 2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। 2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। थोड़ा सा सूखा पुदीना लिया है हमने, नमक अकॉर्डिंग अवर टेस्ट। 2 टीस्पून हमने अमचूर पाउडर लिया है। सबसे पहले हम अपने चने की दाल को परांठों की स्टफिंग के लिए पकाएंगे। इसके साथ हम अपने डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, या आप कम और ज्यादा भी कर सकती हैं। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसे ज्यादा कर सकती हैं। 1 प्याज जो हमने काटी थी, 1 गरम मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बस हमें इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गल नहीं जाए। ये चने की दाल 3-4 विसल में अच्छे से गल जाती है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, अगर ज़्यादा पानी डल गया तो ये दाल पतली हो जाएगी और हमारे लिए स्टफिंग बनानी मुश्किल हो जाएगी। ये देखें, हम इसमें थोड़ा सा 1/2 ग्लास पानी डालते हैं। ज़रूरी नहीं कि 1/2 ग्लास पानी में ही गल जाए, आप इसे खोल कर देख लें बीच में। अगर नहीं गली तो आप इसमें और पानी डालकर गला सकते हैं। बस अब हमें इसमें विसिल लगानी। हमने अपनी दाल में 3 विसिल लगाई थी, लेकिन ये दाल अभी गली नहीं है, इसलिए हमने इसमें 1/2 या 1/2 से ज्यादा ग्लास इसमें पानी फिर डालना है, क्योंकि ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको लहसुन अदरक पेस्ट बताना भूल गए थे। इसमें हमने 1/2 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून हमने इसमें अदरक पेस्ट डालना है। बस हमने इसे अच्छे से चलाकर दोबारा इसमें इतनी सी फिसल लगानी है ताकि ये अच्छे से गल जाए। हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें जो हमने आमचूर पाउडर लिया था वो डालेंगे, और सूखा पुदीना जो लिया था वो भी डालेंगे। आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकती हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। हमने अपनी दाल का एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया है। जब हम इसे ग्राइंड कर रहे थे तो इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमने ग्राइंड किया है, ताकि ये बहुत अच्छे से सूखा नहीं रह जाए और ज्यादा पतला भी नहीं हो जाए, नहीं तो स्टफिंग में हमें परेशानी होगी। हमने अपने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब हम अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने अपने सारे पेड़ों को थोड़ा थोड़ा सा बेलना है। हमने अपने पेड़ों को 1 साइज का बेल लिया है। अब हम इसमें अपने चने की दाल का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें स्टफिंग करेंगे। ये देखें, हम ये पेस्ट जो है बिल्कुल बीच में रखेंगे और ज्यादा नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर हमने ये ज्यादा भरे तो हमारे पराठे फट जाएंगे। स्टफिंग के बाद जो हमने दूसरा पेड़ा बेला था वो इसके ऊपर रखेंगे और हम चारों तरफ से इसको अच्छे से सील कर देंगे, ताकि ये हमारी इसके अंदर दाल जो है वो बाहर नहीं आ जाए। हम अपने पराठे को हाथ से बड़ा कर रहे हैं, आप इसे बेल कर भी बड़ा कर सकती हैं।
हमें अपने पराठे में बीच में एक नाइफ की मदद से होल करना है। इसमें हम घी डालेंगे, ये देखें, ये हमने इसलिए डाला है ताकि हमारा पराठा अंदर तक सिक जाए और कच्चा नहीं रह जाए। आप घी की जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा तेल या घी ऐसे करके लगाना है और हमें अपना पराठा जब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से सिक नहीं जाए। चारों तरफ भी घी या तेल डालना है और इस तरह हाथ से इसे घुमाना है। जब ये देखें आपके नीचे से पकने लगा है तो आप स्पून की मदद से आपके नीचे देख लें कि ये हुआ या नहीं। जब आप ये देख लें कि नीचे से सिक चुका है तो आप इसको फ्लिप कर दें। ये देखिए हमारा पराठा बहुत अच्छी तरह सिक चुका है। जिस तरह हमने वन साइड हमने सेका था, इसी तरह हम दूसरा साइड भी ऐसे ही घी लगाकर हम या तेल लगाकर हमें इसे सेकना है। देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। हम इसी तरह और बाकी पराठे भी बना लेंगे। हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। हमने इसके लिए थोड़ा सा सैलेड बनाया है। एक आम का पल्प निकाला है जिसमें हमने सूखा पुदीना और थोड़ा सा नमक मिलाया है। इसके अलावा जो हमने स्टफिंग के लिए हमने दाल पीसी थी वो थोड़ी सी वो ली है। इसके ऊपर हरा धनिया डाला है हमने, हरा धनिया की चटनी ली है, ये लहसुन की चटनी और ये अचार है। इससे हम इसको खाएंगे और ये बहुत मज़ेदार और लजीज लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पराठे बनाकर दूसरों को भी खिलाएं। शुक्रिया।